आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। और जैसे आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन और लंबा चलेगा जब तक सरकार ये कानून वापसी नहीं लेगी और एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाएगी। ये आंदोलन चलता रहेगा, इन कानूनों से बेरोजगारी बहुत आएगी। एमएसपी पे गारंटी कानून, उससे पूरे देश के किसान को लाभ होगा। गारंटी कानून को ये बिजली अमेंडमेंट बिल है और बहुत से इशू आ रहे हैं। सीड बिल है, सीड बिल भी आ जाएगा तो वो भी बर्बाद करेगा। बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे जाएगी। जैसे ही बड़ी कंपनियां आएगी फूड क्षेत्र में तो बेरोजगारी बढ़ेगी और जो छोटा व्यापारी है वो नुकसान खत्म होगा। दुकानदार पर पूरा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि और भी कानून नहीं आ रहे इस तरह के। गन्नौर तो यहाँ पे आए के भीड़ में मंडियां नहीं देखी जाती, तो बगैर प्रोग्राम के यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे जो नेचुरलिटी होगी वो पूर्ण रूप से यहाँ के किसानों से मिलेंगे, यहाँ के जो कर्मचारी हैं इनसे मिलेंगे कि क्या व्यवस्था है और पहले से अब क्या बदल रहा है, उस चीजों की पूरी जानकारी हम लेंगे। पानीपत में बड़ी पंचायत है, वहाँ पर हम जाएंगे, अभी आधा घंटा यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ के लोग उससे मिलेंगे। और जो पहले आमदनी थी, जो पहले माल आता था उसमें कितनी कटौती हुई, क्या दूसरे स्टेट से भी आ रहा है, उसका क्या सिस्टम यहाँ पे है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।